हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। सुजलॉन के यहाँ पर रिजल्ट्स आ चुके हैं और फाइनली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर्स जो आए हैं वो किस अकॉर्डिंग हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। वैसे आज के दिन भी शेयर पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, आने वाले टाइम में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या यहाँ पर नंबर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए वो हम इस सारी वीडियो में देखने वाले हैं, और यहाँ से क्या कोई आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाया गया है या फिर नहीं वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिए, सोडे सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर है, ये है इसका प्राइस, आज के दिन की क्लोजिंग है, लगभग 5% का सर्किट इसमें लग गया है। 45.90 पर आपको ये शेयर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया है और 49 का आज का हाई था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5% का सर्किट लगा है और ये लोअर सर्किट का रीज़न है क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट रख दिया है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा सो डैट आपको एक आइडिया रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका पार्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस बारी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 2207 का फिगर है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको काफ़ी कम नज़र आ रहा था 1569 का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 1699, वो भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिगर तो इम्प्रूव नज़र आ रहे हैं, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों ही बेसिस पे अप गया है। तो यहाँ पर तो अच्छी चीज़ ये आपके सामने हो गई है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, तो एक्सपेंसेस अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपके सामने एक्सपेंसेस का फिगर मैंने रख दिया है। अब एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं 1927 के, ठीक है, 1927, जो कि पिछली बारी कितने थे, केवल और केवल 1366। यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी बहुत ही बड़े मार्जिन से। एक साल पहले सेम क्वार्टर में कितना था, 1628 का फिगर था, जो कि कितना हो गया, बढ़ गया है 1927। यानी कि ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों ही जगह पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो रेवेन्यू बढ़ गया, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि आखिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसी रही है, तो ये है आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड का पार्ट। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ कि आखिर प्रॉफिट में क्या कुछ सिनेरियोज रहे हैं, तो वो आपके सामने मैंने रख दिया है। यहाँ पर देखो पिछली बारी कितना था, 203 के आसपास का फिगर था, जो कि बढ़कर इस बारी हो गया है 254, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बड़ा डाउनफॉल है। 319 का जो फिगर है वो कम होकर हो गया है 254, यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है, वाई ऑन वाई बेसिस पे प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पर चीज़ें हैं आपके सामने काफ़ी हद तक ख़राब होते हुए नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ कि आखिर परसेंटेज टर्म्स में क्या कुछ चीज़ें रही हैं, सो डैट आपको एक क्लियर आइडिया रहेगा कि आखिर जो नंबर्स हैं वो कैसे रहे। तो आप देखो सुजलॉन एनर्जी क्वार्टर फोर अर्निंग्स, नेट प्रॉफिट एट 254 करोड़, स्टॉक स्लिप्स टू लोअर सर्किट। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो बताया गया है कि जो इनका प्रॉफिट है वो 254 करोड़ पर पहुँच गया है, और लगभग जो प्रॉफिट है जिसकी वजह से जो डाउनफॉल दिखा है, तो शेयर भी लोअर सर्किट में क्लोजिंग दी है। यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो 30% से बढ़ गया है, हम लोगों ने जैसा कि अभी देखा इस फिगर से इस फिगर पर पहुँचा है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें EBITDA के बारे में, तो वो भी 54% से बढ़ा है, लेकिन मेन दिक्कत आई है इनके प्रॉफिट में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो मार्केट कैप है वो अब पहुँच गया है 62,000 करोड़ के आसपास। टोटल आज के दिन 54.48 लाख की ट्रेडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी टोटल वैल्यू होती है लगभग 26 करोड़ के आसपास। ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो प्रॉफिट में डिक्रीमेंट आया है उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है।
द फर्म लॉक्ड एन एक्सेप्शनल लॉस ऑफ 27 करोड़। 27 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ है, जहां पर हमने रतन इंडिया के बारे में बात करी थी, जहां पर उनको एक्सेप्शनल गेन हुआ था और वो गेन इतना ज़्यादा था कि जो प्रॉफिट पार्ट है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर जो है वो 27 करोड़ का एक्सेप्शनल इनको लॉस हो गया है। अब इनके जब क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं तो यहाँ पर इनके जो वाइस चेयरमैन है गिरीश तांदी, उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला वी हैव बीन एबल टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन ओवर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स अक्रॉस ऑल द बिजनेस वर्टिकल ऑफ द टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स एंड ओएमएस। यानी इन्होंने बोला है कि हमने एक अच्छी खासी फाउंडेशन जो है वो बना दी है कंपनी की सारे बिजनेस में ही, या अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स ओएमएस इन सब में, और अभी जो कंपनी की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर आने वाले टाइम में ये चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नज़र आने वाली हैं। हमने अभी तक का लार्जेस्ट ऑर्डर बुक जो है वो बनाई है लगभग 3.3 गीगावाट से भी ज़्यादा की, और हम यहाँ से कुछ और ज़्यादा जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो ऐड कर रहे हैं विद द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और रिपीट ऑर्डर। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं कंपनी में इंटरनल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं और यहाँ से आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन माहौल जो है वो देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर बात की जाए, डिविडेंड दिया है नहीं, बोनस मिला है नहीं, स्प्लिट मिला है नहीं, यानी कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आपको नहीं दिया गया है। अब मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखा देता हूँ। तो आज तो जैसे लोअर सर्किट लगा है लेकिन पिछले एक महीने में लगभग 9% का गेन आपको यहाँ पर शेयर में देखने को मिल रहा है, वो भी यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट आपको अच्छा देखने को मिला था, लेकिन आज यहाँ पर लोअर सर्किट 5% का लग गया है। वहीं अगर आप देखो पिछले छः महीने में क्या कुछ सिनेरियोज हुए हैं, 18% का मूवमेंट है, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, ये आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है शेयर में। तो अभी जो मेन टारगेट है वो इसका है 50 रुपये को क्रॉस करना। एक बार ही 50 रुपये के टारगेट जो है वो क्रॉस हो जाएंगे तो चांसेस यहाँ पर बनेंगे कि शेयर जो है वो आगे के बड़े टारगेट अचीव कर पाए। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि ओवरऑल रिटर्न्स कैसे हैं वो हम देख चुके हैं, साथ के साथ फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने देख लिया कि टारगेट जो मेन है वो है अभी 50 का, फिर हमने यहाँ पर देख लिया क्वार्टर फोर के नंबर्स और रिजल्ट्स, और कॉर्पोरेट एक्शन कोई भी आपको देखने को नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से तो एवरेज यहाँ पर क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, तो अच्छे तो कहीं से है नहीं गैर, लेकिन आप बताइए मुझे कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें क्या हैं, आपको कैसे लगे हैं रिजल्ट्स, और आपके अकॉर्डिंग यहाँ से आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।